आरएसएस के पूर्व प्रचारकों के ऐलान से काम गई बीजेपी, खड़ी कर दी नई पार्टी। बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे पूर्व प्रचारक। मध्य प्रदेश में मामा की बढ़ गई टेंशन, एक एक सीट पर जनहित पार्टी ने उतार दिए अपने प्रत्याशी। बीजेपी की हालत खस्ता, आरएसएस से अलग होकर खड़ी कर दी नई पार्टी। शिवराज के खिलाफ मैदान में ठोक दी ताल, अपनों से ही होगा मामा का सामना। वो देश के और दुनिया के सारे हिंदुओं का मातृ संगठन संघ प्रस्ताव कर दिया, इन लोगों ने पार्टी के गठन का कार्रवाई रजिस्टर पे हस्ताक्षर कर दिए, वो सब जमा करेंगे हम चुनाव आयोग को, तब वो उस पर विचार करेंगे। भारत हित रक्षा को समर्पित जनहित पार्टी के बैनर तले जो बैठे हुए हैं, ये कोई ऐसे वैसे राह चलते आदमी नहीं है, बल्कि भागवत साहेब के बड़े खासम खास रहे। हाँ हाँ, वही वाले भागवत साहेब जो आरएसएस की कमान संभालते हैं, और वही आरएसएस जो बीजेपी के लिए माहौल बनाती रही। लेकिन खबर कुछ ऐसी है मित्रों कि साहेब को नींद नहीं आने वाली है, और सबसे बुरी हालत मध्य प्रदेश वाले मामा जी की है। वो देश के और दुनिया के सारे हिंदुओं का मातृ संगठन संघ प्रस्ताव कर दिया, इन लोगों ने पार्टी के गठन का कार्रवाई रजिस्टर पे हस्ताक्षर कर दिए, वो सब जमा करेंगे हम चुनाव आयोग को, तब वो उस पर विचार करेंगे। तो हुआ यूं कि बात बात पर इतिहास रचने का दावा करने वाले साहिब की सरपरस्ती में एक नया इतिहास रचा गया है। वो ये कि 1980 से बीजेपी की मात्र संगठन रही आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने अपने सियासी दल को बेदखल करने की ठान ली। वो देश के और दुनिया के सारे हिंदुओं का मात्र संगठन संघ प्रस्ताव कर दिया, इन लोगों ने पार्टी के गठन का कार्रवाई रजिस्टर पे हस्ताक्षर कर दिए, वो सब जमा करेंगे हम चुनाव आयोग को, तब वो उस पर विचार करेंगे। आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने आरएसएस से दूरी बना ली है और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। नाम तो पढ़ ही लिया आपने, जनहित पार्टी। ये आरएसएस के पूर्व वरिष्ठ प्रचारक हैं, जो कभी आरएसएस में रहते हुए साहेब भी रहे। तो कुल मिलाकर आरएसएस के 280 पूर्व वरिष्ठ प्रचारकों ने सामने आकर बता दिया कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उनकी नई पार्टी जनहित पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही। जिसके बाद तो कई कमल छाप नेताओं की पंखड़ी उखड़ गई कि हम चीख चीख कर बताते रहे कि विपक्ष के सभी नेताओं से साहेब अकेले लड़ते फिरते हैं, लेकिन हकीकत तो यही थी कि जमीन पर हमेशा ही आरएसएस ने बीजेपी के लिए और साहेब के लिए माहौल बनाया। लेकिन अब उसी आरएसएस के पूर्व सदस्य बीजेपी को आंखें दिखा रहे। बताया जा रहा है कि अगर 5% भी मध्य प्रदेश में आरएसएस के पूर्व प्रचारकों की नई जनहित पार्टी कामयाब हुई तो 2024 में साहेब को जीत के लाले पड़ सकते। स्पेशल डेस्क द कंटा।